राजस्थान के मांगरौल में तहसील क्षेत्र के बोहत कस्बे के कई किसान पारंपरिक फसलों से नुकसान हुआ तो अब फूलों की खेती करने लगे हैं। किसान कम लागत में अच्छी आमदनी फूलों की खेती से ले रहा है। पहले किसान अपने निजी उपयोग के लिए ही फूल की खेती करते थे। सामान्य तौर पर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शादी ब्याह में फूलों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब फूलों का इस्तेमाल यहीं तक सीमित नहीं रह गया है। आज फूलों का उपयोग घर, ऑफिस, शादी, जन्मदिन व व्यापारियों की दुकानों में रोजाना पूजा अर्चना के मौके पर सजावट के कार्यों को करने के लिए भी हो रहा है। बढ़ती मांग को देखते हुए किसान फूलों की व्यावसायिक खेती करने लगा है। वर्तमान में फूलों की खेती करके कई किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। निरोग धाम के किसान प्रेम शंकर गालव, हरी शंकर सुमन का कहना है कि बाजार में हाथ से फूल की माला बनाकर बेचने में 20 रुपए मिल जाते हैं, वहीं व्यापारी को थोक में बेचने पर 30 रुपए से 40 रुपए किलो की कीमत पर बाजार में मिल रही है। किसान बिल्कुल कम खर्च करके 1 बीघा में 30 से 40 हजार रुपए की आमदनी कर रहा है। कम खर्च करके 1 बीघा में 30 से 40 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। ये 25 रुपये से 50 रुपये दे मुझे 1 किलो। कितनी आमदनी हो जाती है आपसे? अब 1 बीघा में और ना तो भी 30 1 हजार रुपये की, 40 हजार रुपये की। क्या नाम है आपका? हरिशंकर सुमन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।